नमस्कार, परहार टाइम्स में आपका स्वागत है। परहार टाइम पेश करता है मुंब्रा बाईपास की एक खास रिपोर्ट। एक बार हम फिर मुंब्रा बाईपास रोड पर है। इससे पहले भी हमने यहाँ की समस्याओं के बारे में प्रशासन को जागरूक किया था। वैसे तो मुंब्रा बाईपास पे बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सुरक्षा दीवार, स्ट्रीट लाइट, और अभी अभी बारिश की वजह से बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। इन सारी समस्याओं की वजह से जनता को काफ़ी तकलीफ और परेशानी पेश आ रही है। बहुत त्रास होता है। मुंब्रा का बाईपास तो एवढा रास्ता खराब झाला, भरपूर खराब झाला रास्ता, भरपूर खड्डे आहेत। अरे, इस रोड पर बहुत से गड्ढे हैं, चलने में इतनी दिक्कत होती है कि रोड पर गाड़ियां पलटी हो जाती, रात में रोड पर लाइट नहीं रहती है। खड्डा है बहुत, इधर है, हमको चलने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग इधर ही रहते, बोले इधर हंसते हंसते होते गाड़ी फास्ट, इधर से रहने के लिए छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसके लिए उसके एक्सीडेंट हो जाती है। पॉल्यूशन, लाइट वीट कुछ नहीं, रात को इतना अंधेरा रहता है तो इधर कोई भी एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। पिछले दिनों एनसीबी के कलवा मुमरा विधायक जितेंद्र अवार्ड ने पारसिक ब्रिज और मुमरा बाईपास को लेकर सदन में आवाज़ उठाई, जिसको देखते हुए कार्यकारी अभियंता मोरे ने मुमरा कौसा का हंगामी दौरा किया और यहाँ का मुआयना किया। कार्यकारी अभियंता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। उसमें जल्द ही मुमरा रेती बंदर पारसिक ब्रिज और मुमरा बाईपास के रोड पर जल्द रिपेयर करने की उन्होंने मांग की। अगर ये मांग जल्द उनकी पूरी नहीं हुई तो उसके लिए वो जन आंदोलन करेंगे। 10 दिन के अंदर उन्होंने मौका मांगा, 10 दिन में इस काम की शुरुआत की जाए। हम सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कार्यकारी अभियंता मिस्टर मोरे जी आज उन्होंने बाईपास का दौरा किया। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने हाउस में आवाज़ उठाई थी कि पारसिक का जो ब्रिज है उसको रिपेयर किया जाए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ये रोड पे कितने गड्ढे हैं, आज ये बरसात का मौसम है और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक होती है। हमने ये लेटर जो लिखा है, इसमें हमारे कमिश्नर साहब को भी लेटर हमने लिखा है, और हम लोगों ने विनंती किया है कि इसको 10 दिन के अंदर इसका काम स्टार्ट होना चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पे जन आंदोलन करेंगे, ऐसा हमने हमारे इस लेटर में लिखा है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी प्रशासन इस काम को लेकर सतर्कता दिखाता है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, परहार टाइम्स।